कैच न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार। हम है आपके साथ और देखते रहिए। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैफिक के नियमों को जागरूकता अभियान बना करके लोगों के बीच में आ गए हैं और तमाम सवालों में घिरे हुए हैं जनता के, वाहन चलानों की बढ़ती कीमत को लेकर के जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं पर लोग माफी भी मांगते हुए दिख रहे हैं कि उनको पता है कि उनके लिए हेलमेट कितना कीमती है, लेकिन ना लगाने को लेकर के तमाम बहाने बनाते हैं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। और आज हमारे संवाददाता विक्रम ने बात किया जो समस्याएं आती हैं ट्रैफिक कर्मियों को चालान करते हुए। बहाने तो बहुत से होते हैं, कोई बहाना करता है नई गाड़ी लिया है, तो कोई बहाना करता है कि मेरा घर ही बगल में। देखिए हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कई अभियान चलाए जाते हैं जहां ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी और ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं, जहाँ राजधानी में इसकी एक झलक देखने को भी मिली कि किस तरह से लोगों को रोक के उनका चालान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन ना करें। आज राजधानी के सी पर आए हुए जहां आपको अवगत कराएंगे कि ट्रैफिक पुलिस की जो बड़ी समस्या है, जब वो आम जनमानस को रोकता है ट्रैफिक नियमों के बारे में बताने के लिए, तो उस पर भी कई आरोप लगाए जाते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे आप, ये ट्रैफिक पुलिस है जो अपना काम करने में लगी हुई है। अभी उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं आती हैं जब ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को बताते हैं, तो आखिर लोगों का सामने जिनको ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के दौरान रोका जाता है उनका क्या कहना होता है। सर एक सवाल है सर आपसे कि जब आप लोग ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों को रोकते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताते हैं, तो सामने वाले का क्या जवाब होता है जब आप उसे रोकते हैं? किस तरह की दिक्कतें आती? थोड़ा दिक्कत आती है सर, ऐसे कागज़ दिखाते हैं, बताते हैं कागज़ नहीं है, जैसे प्रदूषण है, लंबा चौड़ा चालान तो हो ही गया, बढ़ गया काफ़ी, लोगों को दिक्कत होती है भरने में। लेकिन मजबूरी हमारे सामने भी है कि हमें नौकरी करना है तो चालान तो करना ही करना है। अगर हम प्रभारी बन के यहाँ आए हैं तो हमें उसका जवाब देना अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों का। तो जैसे सर जब चालान के लिए रुकते हैं तो कई मंत्री, कई पावरफुल लोगों का फोन भी करवाते हैं, लोग सिफारिश भी करवाते हैं कि इनका चालान ना किया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या ये सिफारिश और जो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए आपके पुलिस प्रशासन बोलती है, तो वहाँ किस तरह की दिक्कतें आती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम दबाव मानते हैं, दबाव किसी प्रकार का नहीं मानते हैं, और हमारे अधिकारियों के निर्देश हैं कि जो है ना किसी प्रकार का दबाव ना माना जाए। अगर कंडीशन ऐसी रहती है कि पेपर नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन चालान करते हैं। जिससे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि ट्रैफिक नियमों का किस तरह से पालन करें? हम तो ये अपील करेंगे कि अपने कागज़ लेके चलें, हेलमेट लगा के चलें, बैक में तीन सवारी न चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, किसी प्रकार के ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे जनता जो है ना खुशहाल रहे। जी जी जी, तो जैसा कि ट्रैफिक नियम की तरह से जब बड़े भारी भारी चालान किए गए हैं, जहां उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो काफी पीड़ित हैं, राजधानी का एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से। भाई साहब ये बताएं कि जब रोकते हैं आप लोग किसी को, तो सामने वाले का क्या जवाब होता है, किस तरह से आपको जवाब देता है? आप तो रोकते हैं बड़ी सहूलियत से, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते यही है कि मुझे जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, हमें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, कागज दिखाने में आनाकानी करते हैं, कागज दिखाने में बहुत परेशानी होती है उनको, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग अपने पर्सनल काम कर रहे हैं लेकिन हम सरकारी काम कर रहे हैं हमसे। तो ट्रैफिक पुलिस की भी एक बड़ी समस्या है कि अपने अधिकारियों के निर्देश और जो ट्रैफिक नियम है उसके तहत वो लोग पालन करते हैं। एक और साहब है, उनसे भी पूछेंगे। सर ये बताएं, जब रोकते हैं, जब किसी को रोकते हैं ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में, तो क्या जवाब होता है सामने वाले का? किस तरह की समस्याएं आती है आपको? सामने वाला कहता भैया मजबूरी है, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, हेलमेट नहीं लगाए हैं, लगा लूंगा, डिग्गी में रखा है, यही सब अपनी समस्या बताता है। फिर अब जो साहब लोगों को आदेश होता वही हम लोग पालन करो। तो पुलिस
ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने आला अधिकारी और जो नियम लागू हुए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ट्रैफिक विभाग के द्वारा उसी का पालन करने में उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस जुटी हुई है, जहाँ पुलिस पर भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस घूस लेती है कई तरह के, जैसे कि सोशल मीडिया पे और कई ऐसे प्लेटफॉर्म पे कई वीडियो भी वायरल होते हैं जहाँ कई लोग घूस लेते हुए भी सामने आते हैं, लेकिन जहाँ पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं, बिना हेलमेट के काम कर रहे हैं, तो ये था ट्रैफिक पुलिस का एक नज़ारा कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस आपकी सेवा में राजधानी में लगी हुई है, लेकिन आप ट्रैफिक पुलिस के नियमों का उल्लंघन करने में जुटे हुए हैं। और जैसा कि अपील भी की ट्रैफिक पुलिस के एक कर्मचारी ने कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, उनका पालन करें, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा इसी वजह से इतने सख्त नियम लागू गए हैं। कानून होने के बावजूद कोई भी डर नहीं, और तीन तीन लोग जा रहे हैं एक गाड़ी पे, तीन तीन लोग जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इतना सख्त नियम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चालान कर रखा गया है, लेकिन उसका भी कोई डर कोई दबाव राजधानी की जनता में नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे तीन तीन सवारी और बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, तो ट्रैफिक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो ट्रैफिक नियमों का इतना बड़ा बड़ा चालान रखा गया है, लेकिन उसका भी कहीं डर किसी में देखने को नहीं मिल रहा। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में लोगों को रोका जा रहा है और काफ़ी भारी चालान है, एक लोग है हमारे साथ, भाई साहब ये बताइए आखिर हेलमेट क्यों नहीं लगा रहे, इतना भारी नहीं, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बगल में ही जाना था इस करके हमने नहीं लगाया, वरना अगर गलती मानने अपनी, हाँ गलती मानने अपनी। तो जैसे कि देख रहे होंगे कि लोग गलती तो मान रहे लेकिन हेलमेट लगाने के लिए तैयार नहीं, तो ये है उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के राजधानी की जनता, जहाँ पर इतना भारी जुर्माने के बावजूद उनमें कोई भी डर नहीं। अभी और भी लोग दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोग कर रहे हैं। रॉन्ग वे पे भी जाने पे चालान है भाई साहब, ये बताएं आप लोग उल्टी साइड चले गए थे क्या जानकारी? अरे हम लोग थोड़ा सा हाथ साइज थे, लोग देख के आ रहे दिमकवा है ठीक नहीं, डिस्टर्ब चल रहा है, उसी मिस हो गए हो क्या? गलती भी तो है, क्या गलती है, रॉन्ग वे में गए आप, गलती तो है ही भाई, तो गलती मान रहे हैं, लेकिन जहाँ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से पुलिस अपना काम करने में लगी है, लेकिन पुलिस पे भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो आज देखा आपने कि किस तरह से राजधानी में चालान का सिलसिला जारी है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा भारी चालान लगाया गया है, ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझाने में जुटी हुई है कि ट्रैफिक नियमों का पालन